और उसके बाद शपथ दिलवाए कि भगवान के नाम से शपथ लो कि भाजपा में वोट डालोगे। तो किसके नाम पे वोट ले रहे हैं? भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, और काम नहीं करना। देखिए भगवान क्या चाहते हैं जनता से, क्या सिखाया है हमारे धर्म ने, शुरू से हमारी धार्मिक परंपरा क्या रही है। अच्छा क्या, अच्छे दिली, अच्छे के लिए, अच्छा दिल होना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, सत्य की परंपरा है। हम भगवान राम को क्यों पूजते हैं? भगवान राम जब रावण से लड़े तो सत्ता थी उनके पास, सत्ता को तो नहीं पूजते हम, सत्ता तो रावण के पास थी। बड़े बड़े सोने के रथ किसके पास थे? रावण के पास थे, भगवान राम के पास नहीं थे। भगवान राम वनवास में थे, भगवान राम तो छोटी सी कुटिया में रह रहे थे वनवास में। लेकिन हमारी श्रद्धा किसके साथ है? भगवान राम के साथ है, क्योंकि भगवान राम सत्य की लड़ाई लड़े हैं। क्योंकि भगवान राम किसी से भी मिलते थे, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, भगवान राम श्रद्धा से मिलते थे, प्रेम से मिलते थे। इसीलिए हम भगवान राम को पूछते हैं, क्योंकि उनके दिल में सच्चाई थी। तो भगवान राम क्या चाहेंगे आज की देश की जनता से? क्या भगवान राम ये चाहेंगे कि झूठ बोलने वाले उनके नाम से आपका वोट ले, कि भगवान राम ये चाहेंगे कि आप जागरूक बनो, आप सच्चाई को समझो कि सत्य क्या है, आपको दिखाया क्या जा रहा है लेकिन असलियत क्या है, और उसके आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर आप वोट दो। अब उतना तो आप कह रही हैं। तो वही कह रही हैं आप जो मैं कह रही हूं, कि देखो इतने बड़े नेता बन गए, पूरे देश में ये प्रचार करते हैं भाजपा के नेता कि मोदी जी जैसे कोई नेता इस देश में कभी हुए नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, और दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता हैं वो मोदी जी की ओर दिशा निर्देश के लिए देख रहे हैं। कहते हैं कि नहीं? अब दीदी सुनो, मैं कह रही हूं कि अगर मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है उनके पास, सब उनसे डरते हैं, कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता है, उनके पास इतनी सत्ता है, इतने साधन है, तो आज तक देश की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्होंने कुछ काम क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? बेरोजगारी को खत्म क्यों नहीं किया? महंगाई को कम क्यों नहीं किया? आज ये परिस्थिति क्यों है कि आपको मिट्टी की तेल नहीं मिल रही है, कि आपको चीनी नहीं मिल रहा है, मिल रही है? ये परिस्थिति क्यों बनी है इस देश में? अगर इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है जितना ये टीवी वाले आपको दिखाते हैं, तो आपका जीवन खाई में क्यों है? देश की जनता तो आप ही है ना, है ना? तो अगर देश इतना फूल रहा है, फल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ गई है, तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया है? तो भाजपा पार्टी जो है आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, दुनिया की सबसे अमीर पार्टी। हमारे और समाजवादी वाले जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछो, मुफ्त में काम करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ जाओ काम करो, गांव में जाओ, ये वो, पैसे थोड़ी मिलते हैं उनको, वेतन पे नहीं काम करते, मुफ्त में करते हैं, सेवा का काम करते हैं। भाजपा के जो हैं उनके बड़े बड़े ऑफिस बना दिए इन्होंने, सबको कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, कैसे हुआ ये? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? अगर आप सबसे ईमानदार नेता हो तो कहां से आया ये पैसा? आपने कहा था दुनिया में जितना भी काला धन छिपा हुआ है वो देश में वापस लाएंगे, आया? हमने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा,
वो तो कहते थे जी जो जो आएगा उसमें से 15-15 लाख आपके खाते में जाएंगे। आए तो किसके खाते में गए? कहीं इनकी पार्टी के खाते में तो नहीं चले गए कि इतनी अमीर पार्टी बन गई कि इनके नेता इतने सक्षम बन गए? ये कहते हैं हम देश के सबसे ईमानदार नेता हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं, इसलिए ये सारी पार्टी इकट्ठी हो गई है। अगर ये सबसे ईमानदार नेता है तो ये से इतना चंदा कैसे ले रहे हैं इतने सारे लोगों से? गुजरात में एक पुल गिरा, सैकड़ों लोग मर गए, बह गए पानी में। उस पुल बनाने वाली कंपनी से चंदा किसने लिया? इन्होंने लिया। आपको वैक्सीन लगी, टीका लगा, कोविड वाला टीका लगा, सबको लगा, बच्चों को लगा, बड़ों को लगा, सबको लगा। हम सब उस समय सोच रहे थे कि भगवान जाने ठीक है कि नहीं, लेकिन हमने टीका ले लिया। प्रमाण पत्र मिला, मोदी जी का चेहरा था उस पे। उस कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया इन्होंने। आज पता चल रहा है कि तमाम लोग उस टीके को लेने से, काफी लोग हैं जिनका रिएक्शन हो रहा है, ऐसे गिर के मर रहे हैं। सबको घबराहट हो रही है, सबको घबराहट हो रही है। मुझे भी 2 टीके लगे। हम सब सोच रहे हैं कि भगवान जाने क्या था क्या नहीं था। उससे भी आपने चंदा लिया, आपने ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिसपे आप छापा मार रहे थे, चंदा ले लिया, छापे बंद कर लिए। ऐसी कंपनियों से लिया जिसपे आपने केस लगाए थे, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में कर दिया। तो आप ईमानदार कहां से निकले? आपकी सच्चाई है सामने अब पूरे देश की, पूरा देश देख रहा है। जो वादे किए आपने रखे नहीं, जो जो बड़े इवेंट दिखाए जा रहे हैं देश को कि देश की बड़ी तरक्की हो रही है, वो तरक्की देशवासियों के घरों में तो आ नहीं रही है। आप महंगाई से इनको पीस रहे हो, कमा नहीं पा रहा है कोई, बेरोजगार तमाम युवा है, 30 लाख पद आपने खाली रखे हुए, किस लिए, किसको देंगे? खाली पद है, खाली नौजवान है, पद तो दे दो जो पड़े हैं, वो भी नहीं दिए।